subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पर SSC अड्डा में। तो जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं ADDA247 SSC एंड रेलवेज, आप सभी को पता है कि इंडिया का बेस्ट चैनल है जो आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करता है, जो आपके प्रिपरेशन को टॉप लेवल का करता है। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं सभी का ऑलमोस्ट पूरा पेपर हो रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि सर जो पढ़ाया वही एग्ज़ाम में आया। सो थैंक यू सो मच गाइज, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हमारे फेवर में करने के लिए, इतनी सारा सपोर्ट हमें देने के लिए, हमें क्रेडिट देने के लिए कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ामिनेशन में आ रहा है। खैर ये बात अब हम आगे करते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ इस सेशन की, ताकि आप लोगों को भी सुबह जो भी सेशन को देखे एट लास्ट वो इस कोट से जरूर कुछ कंप्यूटर लगाइए ज़रा। तो पहला जो कोट आती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करो। क्योंकि देखिए हमारे पेरेंट्स जर्नली कर रहे होते हैं ऐसा कि आपकी तुलना आपके पड़ोसी के लड़के से कर रहे होते हैं, आपकी तुलना पड़ोसी की लड़की से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम खुद अपनी तुलना कभी किसी से मत करना। जैसे चाँद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, कभी आप ये नहीं सोचते होंगे कि चांद की और सूरज की कोई तुलना करता है। सूर्य का एक अपना काम है, वो हीट देता है वो, मगर रात की शीतलता भी बेसिकली चांद देता है, ठीक है। तो सूरज का जैसे अपना काम है वैसे चांद का अपना काम है, क्योंकि दोनों ही अपने समय पर चमकते। और गाइज यकीन मानिएगा, एक ना एक दिन आप भी अपने अपने समय पर चमकेंगे और एक दिन आपका भी जो समय है वो आएगा। तो कह सकते हैं आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में कि यस सर अपना टाइम आएगा। और इस बात को स्टार्ट करते हुए हम इस सेशन की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दीजिए कि विच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट्स यील्ड्स क्विनीन। अगर आप पूछ लेता है वो आप लोगों से पूछता है कि जो सिनकोना जो हमारा अगर सिनकोना जो प्लांट है, ठीक है, संयंत्र नहीं है प्लांट है, ठीक है, सिनकोना प्लांट है, कुनैन दवा जहाँ से हमें मिलती है। अब अगर आप लोगों को पता होगा कि कुनैन दवा मलेरिया के यूज़ में बहुत आती है, ठीक है, तो वह पार्ट कौन सा है, कहाँ से ली जाती है, ठीक है गाइस। बताइए ज़रा यहाँ पर कितने लोग जानते हैं इस बारे में कि जो हमारी कुनैन दवा है वो कहाँ से ली जाती है। तो गाइज आपको पता होगा कि जो हमारे ट्री का जो बार्क होता है, बार्क समझते हैं आप लोग, जो बार्क होता है मतलब जो छाल होती है, वहाँ से जो कुनैन दवा है वो निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर जी क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा बिल्कुल, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा गाइज, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, बिकॉज ये फटाफट राउंड और इसमें देखा जाता है कि कितना आप क्वेश्चन देखकर आंसर कर पाते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन मैं ज्यादा से ज्यादा गौर करता हूं जो भी हमने पूरे दिनों में पढ़ा है रिवीजन कर सके। खैर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली विच गैसेस, जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें मेनली कौन सी गैसेस पाई जाती है, यह आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर आंसर दिखाते हैं यहां पर। हमारी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें याद रखने का इज मीथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन वहां पर होता है, मीथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन इज देयर, ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए यस सर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा फटाफट राउंड का, दैट व्हिच इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इन अ फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप में प्रकाश का दूसरा जो लाइट है वो क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, सभी आंसर करते जा रहे हैं। चलिए कंप्यूटर आंसर दिखाते हैं इस क्वेश्चन का। मरकरी वेपर इज द बेसिकली सेकेंडरी सोर्स। मरकरी वेपर क्या है, हमारा सेकेंडरी सोर्स है जो हमारी फ्लोरोसेंट लाइट होती है, लैंप होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दैट विच एलिमेंट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सी वीड्स, समुद्री खरपतवार से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। गाइज आप सभी को पता है कि आज फटाफट सेशन और इसमें जो आंसर कर पाएगा, ठीक है, वो बेसिकली उसको बेसिकली अच्छी तरीके से हम पता चलेगा कि नॉलेज है इसका, ठीक है। चलिए कंप्यूटर आंसर दिखाते हैं। आयोडीन इज द मेन एलिमेंट जो हमें सीवीड्स में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड। कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलता है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन साइकिल आप सभी ने देखी होगी कि ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट की अगर ये जड़ है तो जड़ में जो हमारी जो नाइट्रोजन है N2, ठीक है, इससे बेसिकली आप सभी को पता है कि फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया कर रहा होता है ये आप लोगों को आंसर देना है। चलिए कंप्यूटर आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का भी।
तो इसका जो सही आंसर है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, राइबोसोम हो सकता है आपका, ठीक है, राइजोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लगाते हैं, इन फायर वर्क्स हाउ इज द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड, आतिशबाजी में हरी लौ का उत्पादन कौन करता है, कौन सी चीज़ करती है, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जा चुका है और इसलिए मैं इसे बार बार आप लोगों के प्रेशराइज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर जी, ठीक है मैं कर लूँगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, वन सेकेंड, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। सो इन फायर वर्क्स हाउ इज द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस, आतिशबाजी में हरी लौ का उत्पादन कौन सी चीज़ करते हैं। चलिए कंप्यूटर आंसर दिखाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बेरियम की वजह से होता है, हमारे जो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो बेरियम की वजह से होती है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, दैट वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर्स देन हाउ इज द वैन एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाई द रूट हेयर्स देन हाउ इज वैन द एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। तो अब ये देखिए कौन सी जो जो हमारी जो रूट हेयर्स के बारे में पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में बेसिकली हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, दिखाइए कंप्यूटर जी, ठीक है, तो हाइपोटोनिक इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, फटाफट राउंड है ये, ठीक है। Who does a liquid drop tend to assume a spherical shape? एक तरल बूंद कौन करता है, एक गोलाकार आकार ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तो सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन है, स्फेरिकल में व्हाट आएगा, हु की बजाय, ठीक है, व्हाट डज आ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप, देन इट्स आंसर शुड बी सरफेस टेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए कंप्यूटर जी, विच सब्सटेंस डज नॉट हैव एनी हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, किस पदार्थ में गलनांक नहीं होता, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें गलनांक नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सो वी नो दैट कि ग्लास का गलनांक नहीं होता, आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, ग्लास गलनांक नहीं होता। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, दैट विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन, राइट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, कि जो मैन था, इंसान था, उसके द्वारा सबसे पहले कौन सा मेटल यानी कि धातु यूज की गई थी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर फटाफट से बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, सभी गाइज आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, दैट कॉपर शुड बी द राइट आंसर, कॉपर क्या किया गया था, यूज किया था, सभी आंसर दे रहे हैं, चलिए कमेंट में आंसर दे दीजिए, बिल्कुल कॉपर इसका क्या है, सही आंसर है। जो कह रही शिवानी कह रही है, सर प्लीज़ एक्सप्लेन, शिवानी आई थिंक आप शायद फटाफट राउंड से अवगत नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूं, हम पूरे जो सप्ताह भर में पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन कर करके पढ़ाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम एक फटाफट राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स वाई कि पूरे सप्ताह भर जो पढ़ाया है उसका हम रिविज़न कर सकें, लाइक तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें अगर मैं 45 मिनट 40 मिनट जितनी भी देर आपके सामने इस क्लास में हूँ उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग अवेयर हों, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमने कवर किए, अगर आपने कवर किया होगा तो इसके लिए आप क्या करें, पहले के सेशंस देख लें। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम, भारत में किस शहर में तापमान की दैनिक रेंज अधिकतम है, चलिए कंप्यूटर आंसर दिखाते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में बेसिकली क्या है, ज्यादा रेंज है। आगे चलते हैं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट में नमक की मौजूद जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो गाइज ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप कहेंगे तो आरआरबी जेई में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है, तो इसका मतलब बनता है बॉस कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है तो अब की बार भी पूछने में कोई हिचकिचाएगा नहीं आरआरबी, ठीक है। तो अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, मगर आने के पूरे पूरे चांसेस क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा मीटर दिखा दीजिए, 6 इसका सही आंसर, क्योंकि जो मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4 NH2SO4 6H2O, तो डॉट 6H2O में आप देख सकते हैं कि 6 हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अगला क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं, व्हाई डज मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड देन इंसुलेटर्स, तो आप सभी जानते हैं कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, हीट को कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि यहाँ पर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर, कंप्यूटर आंसर दिखाइए, बिल्कुल दे कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके
कंप्यूटर स्क्रीन पर, अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय विच मेथड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैम्फर जो कि आराम से आप लोग उसे अगर केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैम्फर बेसिकली हवा में उड़ जाना है, ठीक है, अगर मान के चलिए रिएक्शन भी कर रखे तो आप केमिकल मेथड से बहुत आराम से इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो राइट आंसर इज केमिकल मेथड, कंप्यूटर आंसर दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इन अ मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज थ्रोन आउट ऑफ इट, देन हाउ इज द मटेरियल, यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई सामग्री को इसके बाहर निकाल दिया जाए तो सामग्री कैसी हो जाएगी। अगर मान के चलिए कोई मटेरियल उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अब उसे बाहर फेंक दिया जाए, तो अब वो मटेरियल कैसा बन जाएगा। चलिए मुझे आंसर दिखाते हैं इसका, डाई मैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, डाई मैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको पता है कि आपका जो आपका लोहा है दैट इज फेरी मैग्नेट, ठीक है, तो ये अब मैग्नेट का होना ना होना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि डोमेन कैसे लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या, मान के चलिए कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, कि मटेरियल के मैं बारे में आपको बता देता हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा कि किस तरह से कोई भी मैग्नेट है। एक्चुअल में होता क्या, ये डोमेन्स होती हैं, ये अगर चारों दिशा में एक दूसरे के अराउंड लाई कर रही होती है तो ये वाली इसे कैंसिल कर देती है, ये वाली इसे कैंसिल कर देती है और ये वाली इसे कैंसिल कर देती है, मगर जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो डोमेन है वो एक निश्चित डायरेक्शन में लाई कर रही होती है और वो नेट जो रिजल्टेंट देती है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होता है, ठीक है। इन्हीं को हम बेसिकली पैरा मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक हम यहाँ पर बोल देते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलोजन्स आर एस्टिमेटेड बाय विच मेथड, दैट इज कैरियस मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी, टू विच आर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड, राइट, किससे फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स लिंक करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जहां पर इन दोनों का जिक्र होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपके सामने रखा हुआ और इसका आपको आंसर देना है। वेरी गुड गाइस, सभी का मैं यहां पर कमेंट देख पा रहा हूं, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सो राइट आंसर इज ऑक्सिन, इसका सही आंसर कंप्यूटर याद, बिल्कुल ऑक्सिन बेसिकली सही आंसर है, ऑक्सिन से हमारे जो फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, दैट अ प्लेस हैविंग अ एवरेज एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड ओवर ऑल रेनुअल फॉल ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर, वेयर इज दिस सिटी, ये सिटी कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत वाहियात क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं हालांकि, ठीक है, बट स्टिल क्योंकि एक बुक में गिविन था, आई डोंट नो कि क्यों गिविन था, ठीक है, तो जब बुक में गिविन था तो मैं ले आया। कंप्यूटर जी दिखा दीजिए आंसर, इसका सही आंसर है दैट इज सिंगापुर, ठीक है। अब यहाँ से जो सेशन है वो दूसरे भाग में प्रवेश करता है जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शंस, ठीक है। अगर तैयार हैं, अगर आप ऑप्शंस के साथ अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर, और यहाँ पर आपकी फिजिक्स भी अब आप लोगों के लिए सामने आ रही है। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन रंग बदल कर लगाइए कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिल्कुल, द बेंडिंग ऑफ लाइट When it is passed around a corner of slit is due to, अगर आप देखेंगे, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, पुरानी हवेली वगैरह देखी होंगी तो वहाँ पर देखा होगा कि जो लाइट है वो कोने से थोड़ा मुड़ कर आ रही है, तो ये जो बेंडिंग होती है ये किस वजह से होती है, लाइट की बेंडिंग, ठीक है, ये जो बेंडिंग होती है वो लाइट की किस वजह से होती है। चलिए कंप्यूटर आंसर दिखाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर डिफ्रेक्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है दैट इज ड्यू टू द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर लेते हैं, दैट मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, यहां से एक क्वेश्चन बना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने कराया था अपने स्टूडेंट्स को, फिर से करा रहा हूं बिकॉज आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया और यहां भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। मैक्सवेल किसकी इकाई है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मैक्सवेल किसकी इकाई है और एक बार में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, दैट इज इट इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है ये यूनिट है। अगला क्वेश्चन यहां से लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन, तो अगर हम सरफेस एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था, दैट वी इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर, ठीक है, तो m अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ होता है, r बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, सो मास ऑफ द बॉडी पर बेसिकली डिपेंड नहीं करती। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मास ऑफ द अर्थ होता है और इस फॉर्मूले में बाकी कहीं भी आप लोगों को कुछ और देखने को मिल नहीं रहा है, दैट्स ऑब्वियस, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लगाते हैं, दैट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सेम हाइट, एक पेपर डाल दिया जाए, एक क्रिकेट की बॉल डाल दी जाए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू द बॉथ द रीच द सरफेस साइमल्टेनियसली, वो कौन सी कंडीशन में दोनों ही बराबर टाइम पर नीचे पहुंचेंगी, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आराम से पूछा गया, ठीक है,
ठीक है, तो जब दोनों तब गिरेंगी एक ही समय पर, जब वो कहां पर वैक्यूम में क्या है, जब वो वैक्यूम में डाली जाए, ठीक है, वैक्यूम में, अगर वो वैक्यूम में गिर रही होंगी, ठीक है, दे मस्ट बी ड्रॉप्ड इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में गिर रही होंगी तो इसका मतलब समझते हो आप लोग कि वहां पर हवा नहीं है, तो हवा नहीं है तो इंटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसे नहीं मिलेगा और सिर्फ वो दोनों ही स्मॉल जी की वैल्यू से गिर रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, मान के चलते मास, जो मास है उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी क्या होगा, अगर हमने दो मासेस को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डबल, राइट, एफ आप सभी जानते हैं m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये एफ वन मान लेते हैं, एफ टू अगर हम ले तो ये क्या कहता है, एफ टू क्या कहता है, एफ टू कह रहा है कि अगर हम मास को डबल कर देते हैं, इफ टू मासेज आर डबल, तो ये भी डबल हो गया, ये भी 2m1 हो गया, 2m1 और 2m2 हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो f2 क्या हो जाएगा, यानी कि 4m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, अच्छा m1 m2 बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल, f1 के, तो f2 क्या हो गया, f2 क्या हो गया, 4 ऑफ f1, तो क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भैया मेरी तरह लगे रहोगे आधे घंटा, सीधा रखो, मास डबल दो गुना, दूसरा मास डबल दो गुना, दो दूनी चार, ठीक है, आंसर चार टाइम हो जाएगा, ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर बैक चलना, बैक चलना, बैक चलना, बैक चलना, क्वेश्चन क्या था, द मास द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस पूछे, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस पूछे, ठीक है, तो डिस्टेंस पूछे ना, डिस्टेंस पूछे, ठीक ठीक डिस्टेंस दे रखी है, तो अगर डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो, दो टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि क्या किया है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम ये इंक्रीज कर दिए, तो ये 4r² हो गया, नीचे 4r² हो गया, यानी कि 1/4 क्या हो गया, क्वार्टर रह जाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये चार गुना बढ़ गया है, तो ये चार गुना कम हो जाएगा। चलिए आगे लगाइए क्वेश्चन को, ठीक है, इफ द डायमेंशन, द फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अच्छा तो आप लोगों को पता है कि जी की फार्मूला क्या होता है, कैपिटल जी का फार्मूला क्या होता है, एफ कैपिटल जी का फार्मूला होता है हमारा, दैट इज अगर हम एफ की बात करें तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो जी का फार्मूला हो जाएगा हमारा एफ इंटू m1 सॉरी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और कैपिटल जी विल बी फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर रख दीजिए, नीचे एम स्क्वायर रख दीजिए, एम से एम काट लीजिए, जी एल टी माइनस टू होता है इसका हमारा, ठीक है, और एल स्क्वायर ऊपर ये रहा, एम हमारा नीचे बचा, तो यहाँ पर हो गया एम इनवर्स एल क्यूब और टी माइनस दो, मिल गया कहीं पर m इनवर्स l क्यूब t माइनस दो, ऑप्शन नंबर b में मिल गया, कंप्यूटर जी खटाक से लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर b इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट रेक्टिफायर ऑफ इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट, एक जो रेक्टिफायर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो किस काम में आता है, ठीक है, ठीक है, तो आपसे रेक्टिफायर के बारे में पूछा है, राइट, एक संशोधक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो रूपांतरित करने का प्रयोग में किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट इंटू डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट इंटू अल्टरनेटिव करंट, साइनोसोइडल पल्स, और हमारा नन ऑफ द अबव, तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा, देखिए ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब समझिए कि रेक्टिफाई किसे करेगा, रेक्टिफाई करेगा हमारे एसी सिग्नल को, ठीक है, एसी सिग्नल को करेगा, किस तरह से रेक्टिफाई करेगा, ध्यान दीजिए, अब हम रेक्टिफायर के तौर पर कई बार क्या लगा लेते हैं, कैपेसिटर लगा लेते हैं, कैपेसिटर लगा ले, कंप्यूटर आंसर दिखा दिया, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बेसिकली रेक्टिफाई कर रहा होगा, ध्यान दीजिए, तो रेक्टिफायर क्या करता है, मान के चलिए ये एसी वेव है, ठीक है, ये एसी की वेव है सभी जानते हैं, और ये एक डीसी की वेव है, ठीक है, तो इस वेव को कुछ ऐसी वेव बनाने के लिए काम में आएगा, ठीक है, इसके लिए हम कैपेसिटर लगा लेते हैं, जो कैपेसिटर क्या करता है, जब चार्ज हो रहा होता है तो चार्जिंग लेता है, और जब ये वाली जो साइकिल आती है, इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, यानी कि वो अपने एंड से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, फिर दोबारा से चार्ज होता है, फिर दोबारा से डिस्चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये लगभग कुछ इस ऐसी वेव हमारा बना देता है और रेक्टिफाई कर देता है। अगला क्वेश्चन यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लेते हैं, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स, इनमें से किसकी कोई यूनिट नहीं है,
हैं, थर्मल कैपेसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ मैग्नेट, यहाँ से क्वेश्चन बना है बॉस और पूछा भी गया है। तो आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो रेशियो है, ठीक है, कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ हमारा और हमने कितना फील्ड लगाया, ठीक है, दोनों का रेशियो है, तो ऑप्शन नंबर बी, और रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, सोनार इज बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल। तो आप सभी को पता है कि जो सोनार होता है, सोनार की फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछ ले, देखिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ भैया, जितनी एनर्जी से मैं रिवीजन करा रहा हूँ उतनी ही एनर्जी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सोनार, SONAR, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिए। पहले होता क्या था, पहले होता क्या था कि जो लोग होते थे, ठीक है, ये मान के चलिए ये कोई जहाज है, ये कोई जहाज है, इसे लेके जा रहे हैं, ठीक है, इधर साइड में बढ़ रहे हैं, तो नीचे अगर कितनी डेप्थ है इसका, नीचे कोई पहाड़ी आ रही है, ठीक है, ये लाइक पहाड़ी थी पहले, बड़ी पहाड़ी ले लेते हैं लाइक ऐसी पहाड़ी, मगर पानी से दिख नहीं पा रही क्योंकि पहाड़ी है, और आप लोग पता है कि जहाज थोड़ा बहुत नीचे भी चलता है, तो ये जहाज जाएगा तो इससे टकरा जाएगा, टकरा गया तो बस टाइटेनिक काम हो गया, खत्म, ठीक है। टाइटेनिक को बचाने के लिए बेसिकली सोनार एक डिवाइस होता है, सोनार पहले से ही यहाँ पर जो सिग्नल है उसे भेजेगा, वापस से टकरा कर आएंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो हमें पता चल जाएगा। सो सभी को पता है जो हमारी साउंड है वो इको पे काम कर रही होती है, इको शुड बी द राइट आंसर। कंप्यूटर जी राइट आंसर दिखा दीजिए, इको शुड बी द राइट आंसर। इको क्या होता है भैया, बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि पहाड़ों के बीच में शूटिंग चल रही है, पहाड़ों के बीच में शूटिंग चल रही है, तो मान के चलिए अमन कोई वहां पर एक्टर है, ठीक है, और कोई लड़की कोई भी नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी जैसे कि चलिए यहां से नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमन के साथ में करीना कपूर काम कर रही है, ठीक है, और करीना कपूर को नाम दिया गया है वहां पर, कुछ भी नाम दे लिया यार, ABCD, ठीक है, तो करीना ही ले लेते हैं, तो अमन कहेंगे करीना, तो वापस से आवाज आएगी करीना करीना करीना, ठीक है, तो ऐसे कई बार आवाज आती है, तो इको वही है, ठीक है, साउंड का टकरा कर वापस आना। और इसमें याद रखना कि 0.1 सेकंड का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और 17 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये आवाज आएगी वापस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, साउंड waves in air are waves, sound wave हवा में कैसी wave होती है, radio waves, transverse wave, longitudinal wave, electromagnetic wave, ठीक है, कैसी wave होती है, तो सभी को पता है कि sound waves are longitudinal wave, कैसी wave है sound wave, एक longitudinal wave, option number C, फटाक से लगाइए computer जी, फटाक से answer बढ़ाइए, अगला question लगाइए, when the planet come nearer the sun, जब planet sun के नजदीक आता है तब कैसे, धीरे धीरे चलता है, तेजी तेजी चलता है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंट एवरी पॉइंट रहता है, या फिर बात करता है वह नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये जो लॉ है जो आपसे पूछा जाए, तो सभी हंस रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, वेरी गुड गाइज, ठीक है, सभी यहाँ पर हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे अगर आप लोग हंस रहे हैं तो, ठीक है, वैसे भी हंसते रहिए, खुश रहते रहिए और उसमें इमोजी भेजते रहिए हंसने वाले, बिकॉज देखना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब ये थोड़ा से बाहर मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं, एक मिनट अगर बाहर भी ले गया तो ये तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सभी हंसी वाला सिंबल भेजेंगे और देखना उस हंसी वाले सिंबल को जब सभी भेज रहे होंगे तो सभी को हंसी आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट जरूर आने लगेगी, लगेगा कि यार सभी कर रहे हैं, तो एक बार फटाफट से सभी भेज दो, एक बार हंसी वाला सिंबल भेज दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहिए, खुश रहते रहिए। तो आप लोगों को पता होगा यार केपलर्स लॉ क्या कहता है, केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा जो सन, जो हमारा प्लेनेट है, वो सन से जो 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 हमारी जो अगर हमने एक यहां से एक लाइन खींची, वह लाइन जो है वो इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एक्चुअली जब भी ये सन नजदीक होगा तो ये तेजी से मूव करेगा, क्या करेगा ये तेजी से मूव करेगा, ठीक है, और जब भी ये दूर होगा, ठीक है, जब भी ये दूर होगा तो ये थोड़ा कम एरिया, तो थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फास्ट चलेगा, और याद रखना अगर ये दूर होता तो ये स्लो चलता। अगला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, तो सभी को हंसी आ रही है यहां पर,
मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हें देख के, ठीक है। वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, कौन सी वेव टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज में लाई जाती हैं? अगर हंसी आ रही है तो लिख दीजिए हाँ सर अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, तो कौन सी वेव है जो भाई यूज में लाई जाती है? आप सभी को पता है कि माइक्रोवेव वहां पर यूज की जा रही होती है, ठीक है। माइक्रोवेव वहां पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आंसर दिखा दीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंसर दिखा दीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ओके, सो देखिए कुछ आपके लिए वेव की इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा और हम भी तैयार हैं स्नैपशॉट लेने के लिए, फोटो वोटो खींच लीजिएगा। रेडियो वेव्स फॉर टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स, माइक्रोवेव जो सैटेलाइट टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स, साउंड वेव्स दे कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, दीज रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड इकोज। इंफ्रारेड वेव्स की अगर हम बात करें तो टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर रिमोट कंट्रोल्स एंड विजिबल लाइट, फोटोग्राफी के लिए यूज में लाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। क्वेश्चन, अ डायनमो विच इज सेड जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज ए, ठीक है। अगर जो बिजली उत्पन्न करने वाले डायनमो वास्तव में किसके रूप में कार्य करता है, जो बिजली उत्पन्न करने वाला जो डायनमो होता है वो किसके रूप में कार्य करता है? सोर्सेज ऑफ आयन, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये किसके लिए काम में कर रहा होता है, इसका आंसर फटाफट से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डायनमो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वो एक्चुअल में है क्या, ये कन्वर्ट करता है एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? आपको पता है कि जो डायनमो है वह घूमता है पानी की एनर्जी से, पानी में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उससे कौन सी एनर्जी बना रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, राइट। सो अगला क्वेश्चन यहां से कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाते हैं फटाफट से। दैट द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज, टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल को संचारित करने की किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टाइम डायलेशन। इसका जो आंसर है दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बट इसमें मैं एक छोटी सी एडिशन करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, दैट अभी जो हम डिश टीवी यूज करने लगे हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले भी कुछ हमारे जो टीवी हुआ करते थे वो हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे काम करते थे, बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर पेपर में आता है तो एएम इसका सही आंसर लगाना है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी डिश टीवी होती है डायरेक्ट टू होम होती है वो किस पर काम करती है, तो रिमेंबर गाइज वहां पर वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन पर क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ओके, दूसरी साइड चला गया कंप्यूटर जी, क्वेश्चन दूसरी साइड है, तो इसका मतलब हमें दूसरी साइड जाना है या फिर आपको कर देंगे सर, डोंट वरी गाइस। तो थोड़ा सा वेट मुझे भी मिला यहाँ से आप लोगों के होते हुए, ठीक है। सो एक बार यार लाइक कर दीजिए सेशन को, बिकॉज लाइक्स बहुत कम है सेशन पर, 83 वॉचिंग ना हुए। एक बार देखते हैं कि कितने लोग लाइक करते हैं, एक बार ऐसे जो बटन है उसे तोड़ दीजिए, ठीक है, और यूट्यूब को नया लगवाना पड़े वो वाला बटन। तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं यहाँ पर सभी आंसर दे रहे हैं, पीसीएम भी दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसा लग रहा है अभी तक सेशन, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं? बिकॉज देखिए यहाँ पर मुझे मुझे ये था कि आज आप लोगों को कुछ भी करके रिवीजन कराना है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन आने लगे हैं यहाँ पर, वन सेकेंड, मुझे शायद दूसरी ओर जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, मुझे दूसरी ओर जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, सो अब यहाँ पर मुझे दूसरी ओर आना पड़ा है द क्वेश्चन पर। कंप्यूटर जी वो लोगो हटा दीजिए, जो हमारा लोगो लगा हुआ है वो हटा दीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ तब तक कमेंट भी, ठीक है। अब पैरासूट, ठीक है, अ पैरासूट डिसेंड स्लोली वेयर एज अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट फास्ट रैपिडली। तो क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा है यहाँ पर, मेरे ख्याल से वो एनिमेशन नहीं होगा इस वजह से क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को दिखेगा। डोंट वरी, रिविजन है वैसे भी, ठीक है, क्वेश्चन तो मिल ही रहा है फाइनली। जो हमारा जो पैरासूट होता है गाइज उसमें सरफेस एरिया उसका बड़ा होता है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहा होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। डैम्प क्लॉथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर्स बाय एक्शन ऑफ, अगर आप स्पिन ड्रायर की बात करते हैं, गीला कपड़े को सूख करने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो वहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है गाइस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं आपको, यहां पर एडिशन कर देता हूं। लाइक आप लोग जब भी दूध से दही निकाल रहे होते हैं, ठीक है, दही से सॉरी मक्खन निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज कर रहे होते हैं। दूध से दही जो है लैक्टिक एसिड की वजह से कन्वर्ट होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स पे आपके जो हमारी जो भी बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, वो सब सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करती है। इवन एट अब क्वेश्चन आए आप लोगों से कि जो सैटेलाइट है जो वो घूम रही होती है वो बाहर क्यों नहीं छोड़ के जाती, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नहीं जाती है, समझ में आया? इतने सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो काफी चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन यहां से देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर, दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो स्लोप दो तरीके से आपके कंप्यूटर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, स्लोप दो स्लोप पूछे जाते हैं, दैट स्लोप पहला स्लोप होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताइए, या फिर दूसरा स्लोप पूछा जाता है आपसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बताइए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताइए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v और v/t क्या होता है, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइप टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पूछे तो स्पीड होती है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी दे रहा होगा स्लोप, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का स्लोप दे रहा होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका क्या है कंप्यूटर जी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, that the bomb at a rest explodes into a large number of tiny fragments, the total momentum of all the fragment will be, अगर मान के चलिए बॉम्ब रखा हुआ और अचानक से ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, तो उसका जो जो हमारा जो मैग्ने जो हमारा क्या कहेंगे हम जो टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर ब्लास्ट विल बी क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है, तो उस समय आपको आंसर देना है, ठीक है, उस समय का आपको आंसर देना है गाइस। सभी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वेरी गुड गाइस, सभी ने सभी को सेशन पसंद आ रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन, सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। योर नेम इज ऑशम, पता नहीं भैया किसके बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है, ठीक है, ओके, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको पता है कि अगर हमारा जो मोमेंटम होता है इन स्टार्टिंग अगर जीरो हो, ठीक है, इन स्टार्टिंग अगर जीरो, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ से पहले ही जीरो है मोमेंटम हमारा, तो लास्ट में भी जीरो रहने वाला है। अब ये कौन सा लॉ कहता है, आप कहोगे सर ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद रखना। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज जीरो, इसका सही आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दैट केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए क्या कहता है, केजी मतलब क्या है, मास भैया, मास इंटू मीटर यानी कि लेंथ, ठीक है, मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड, अच्छा लेंथ बाय सेकेंड क्या बनेगा हमारा, ये लेंथ बाय सेकेंड वेलोसिटी बन रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी बन रहा होगा, मास इंटू वेलोसिटी के बारे में चर्चा करना चाहता है हम लोगों से, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, किससे बोल रहे हो पाठक, यहाँ पर कमेंट भी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर कमेंट भी चल रही है। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, राइट, सभी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड वेरी गुड। गुड मॉर्निंग लोकेश जी, बिस्मजीत भौमिक जो है वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए कमेंट आंसर बिल्कुल इसका जो है हमारा बैक आई आंसर रह गया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एफ इन टू टी, यानी कि आवेग इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, इम्पल्स इसका क्या है, सही आंसर है। आगे चलते हैं आगे, बिल्कुल, व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टीज, वाहन पूर्णतः हवा भरा होता है, किस लिए भरा होता है, टू अवॉइड द स्किडिंग, राइट, हर एक सीढ़ी में स्कट करेंगे, स्कट, राइट, तो अब आप लोगों को पता है कि अब स्किडिंग से बचने के लिए जो वाहन है उसे पूरी तरह से भरा जाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंसर दिखाइए कंप्यूटर जी, राइट। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ से कंप्यूटर स्क्रीन पर, दैट व्हेन अ पेल ऑफ वाटर इज स्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल, जब एक पेल ऑफ वाटर को आप वर्टिकल सर्कल में स्विंग करते हैं, ठीक है, द वाटर डज नॉट फॉल ऑन द टॉप ऑफ, बिकॉज क्यों जो वाटर है वो डिपेंड नहीं करता, तो कितने लोगों ने करके देखा है कभी कि बाल्टी में पानी भरा और बाल्टी को घूम गोल गोल घुमाया, ठीक है, ठीक है, तो सभी बोल रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, टू अबव अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू इन रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ वाटर इन पेल, तो एक वैल्यू होती है जिस वेलोसिटी से आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे होते हैं, अगर उस वेलोसिटी से आप गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, तो एक इरेस्पेक्टिव उस मास से डिपेंड नहीं करता कि कितना मास है, वो वेलोसिटी से डिपेंड करेगा कि कितनी वेलोसिटी है, और उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाते हैं हम लोग, ओके, सो हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, हमारे कंप्यूटर जी ने कहा कि क्वेश्चन समाप्त होते हैं, क्वेश्चन सीमा समाप्त हुई, अब एक क्वेश्चन होगा मिंडर जी, हमें न्यूमेरिकल होगा आई थिंक एट द लास्ट ऑफ द सेशन, पीपीटी के लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में देख लीजिए एक बार, सबसे लास्ट में एक रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एक सबसे लास्ट में वो होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक होमवर्क मैं लेकर आया हूँ आप लोगों, छोटा सा होमवर्क है, घबराना मत डरना मत। तो सेशन कैसा लगा मित्रों भाइयों बहनों, कैसा लगा ये सेशन, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक मिनट, हमारे कंप्यूटर जी को शायद मिल नहीं रहा है वह क्वेश्चन, हम मदद करते हैं उनकी, ओके, सबसे लास्ट वाला पीपीटी, ठीक है, ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए यहाँ पर, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, राइट। और हाँ, ये रहा होमवर्क भैया, इसके साथ हमारी एक फ़ोटो वोटो हो जाए आप लोग, ठीक है, फोटो सेशन हो जाए, ताकि हम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल में हमेशा सेव रहें, ठीक है, जब भी आपको याद आए तो हमारा फ़ोटो आप लोग देख लेना। हाँ खैर, ये तो मजाक की बात है, होमवर्क ले लीजिए भैया, ठीक है, ओके, आपके लिए होमवर्क रहा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार फ्राइडे को एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे बेसिकली मैं क्लास नहीं लेता, तो
दो दिन आपका कम से कम फ्राइडे को मैं पूरा का पूरा जो भी पढ़ाया मैंने अभी तक ज़्यादातर आपका क्या करा दूँ, रिवीजन करा दूँ। और जब रिवीजन जब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, जब रिवीजन हम कर लेते हैं तो इससे क्या होता है बेसिकली आगे बूस्टअप मिलता है आपको, ठीक है। आपको आगे मतलब ये रहता है कि यार ठीक है सर ने बहुत शॉर्ट टाइम में 40 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, रिवीजन करा दिया, ठीक है। ओके, जहर सेशन था, बिल्कुल लिख रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड सेशन था, ऑसम सेशन था। थैंक यू सो मच गाइज, जुड़ते रहिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा, और कैसी भी हो मंजिलें, ठीक है, पार कर लेंगे, ठीक है, साथ हैं तो साथ हैं हम, इजहार कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, टुमारो नहीं भैया, मंडे को मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब टू अड्डा 247 YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियोज़।